क्या बिग बॉस 14 के घर में जल्द होगी नए तूफानी सीनियर्स की एंट्री? क्या है पूरी बात, चलिए आपको बताती हूँ इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मैं हूँ ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं फिल्म विंडो। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बिग बॉस 14 के घर में हम सभी जानते हैं तूफानी सीनियर्स बन के गए हुए हैं सिद्धार्थ शुक्ला, गौहर खान और हिना खान। तीनों ने ही गजब का तूफान मचाया घर के अंदर और 15 दिन से रह रहे हैं वो घर के अंदर और बतौर जो फ्रेशर्स हैं उनको गाइड कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, उनपे उनको उनके ऊपर रूल्स बना रहे हैं, ये रूल्स फॉलो कीजिए, झगड़ा लगा रहे हैं। जो पूरा एंटरटेनमेंट देना चाहिए सीनियर्स की तरफ से मिला, कभी सीनियर्स हमें आपस में भिड़ते हुए भी नजर आए टास्क के दौरान। दोनों जब आपस में तीनों की जब तालमेल नहीं बैठी तो तीनों के बीच में भी झगड़े हुए, मैं तुम्हारी बात से एग्री नहीं करती, मैं तुम्हारे बात से एग्री नहीं करता, ये सारी चीजें भी हमें देखने को मिली सीनियर्स की तरफ से। अब जो खबरें आ रही हैं कि तीनों जो तूफानी सीनियर्स हैं वो घर से बाहर निकल चुके हैं और अब ऑब्वियसली जब वो निकल चुके हैं तीनों तीनों जो तूफानी सीनियर्स हैं सिद्धार्थ, हिना और गौहर, तो नए जो सीनियर्स हैं तूफानी सीनियर्स उनकी तो एंट्री होगी ही होगी। और खबरें ये आ रही हैं कि जल्द हो सकती है तूफानी सीनियर्स यानी कि आसिम रियाज, रश्मि देसाई और पारस छाबड़ा, इन तीनों की एंट्री हो सकती है। अब ये जो इनकी अगर एंट्री होती है घर के अंदर तो क्या धमाल मचेगा, क्योंकि पवित्रा पुनिया है जिनके एक्स रह चुके हैं पारस छाबड़ा, तो ये क्या कुछ करेंगे, पवित्रा पुनिया के कौन से पोल खोलेंगे, क्या कुछ एक्सपोज करेंगे उनको, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा जब वो घर के अंदर आते हैं। फिर देखा जाए तो रश्मि देसाई आएंगी जो कि जासमीन भसीन ने कई सारी बातें कही हैं, जासमीन भसीन रश्मि देसाई को लेकर, तो कैसे उन दोनों के रिश्ते होते हैं, क्या कुछ देखने मिलेगा ये तीनों तूफानी सीनियर्स की एंट्री से, थे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कोई बात की कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि ये सारी खबरें हैं और जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होता तभी हमें पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत। लेकिन मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी, मुझे बताइए तीनों तूफानी सीनियर्स अगर आसिम रियाज, रश्मि देसाई और पारस छाबड़ा आते हैं तो इनकी एंट्री के लिए कितना एक्साइटमेंट है, मुझे बता दीजिए कॉमेंट सेक्शन में। और देखते रहिए फिल्म विंडो इसी तरीके की अपडेट्स के लिए।